चाहे आपके एक बैच में 20 हो, 40 हो, 60 हो, सभी को आप एक क्लिक में सभी को एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबका नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर वाले कॉलम से सिर्फ नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके चाहे आप कभी कर सकते हैं यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहीं पे आपको यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ से आप एक नई सीट ले लीजिए। उसके बाद आपको पेस्ट करना है, बट आपको पेस्ट नॉर्मल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पेस्ट करने का एक टेक्निक है, पेस्ट आप जो करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्निक का यूज करेंगे। ये देखिए, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे नहीं आना चाहिए, नंबर जो है इसमें, यानी कि एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल, तो आपको ये हॉरिजेंटल में मतलब इसे पेस्ट करना है। आप यहाँ से आप जो है एक एक करके चेक कीजिए कि यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पेस्ट करना है, यानी कि सभी को जो है हॉरिजेंटल में जो है आपको नंबर को पेस्ट करना है। और इस तरह से ये नंबर पेस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, इससे फाइल को आप सेव कर लीजिए। फाइल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है सेव पे क्लिक कीजिए, और सेव करने के बाद जो है कंप्यूटर में जाइए, उसके बाद इसे डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात और फिर ध्यान में रखने की बात है कि डेस्कटॉप पे जो हम सेव करेंगे तो उसके बाद यहाँ क्या है, एक्सेल फाइल में सेव हो रहा है। ठीक है, इसे हम एक्सेल फाइल में सेव नहीं करेंगे, पहले इसका हम नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया जनवरी बैच मोबाइल नंबर, इसका नाम दे दिया। उसके बाद हम इसको फाइल टाइप क्या कर देंगे, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके उसके बाद आप इसे जो है सेव कर, और ये जो है बस आपका काम ये हो गया। उसके बाद ये कुछ भी बोलेगा ओके ओके कर देना है, कुछ भी बोलेगा उसके बाद यस कर देना, नो नहीं करना है, यस कर देना है। उसके बाद आपका काम हो गया, इसे अब हम कर देते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि वो जो फाइल सेव हुआ फ्रेंड ये यहाँ पे हुआ, आप देख पा रहे हैं ये फाइल जो है हमारा, सॉरी ये फाइल हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा नंबर सेव तो हो गया, बट यहाँ पे अब इसे हम अगर इसे हम एसएमएस में यूज करेंगे फ्रेंड, तो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे स्पेस हटाना होगा और यहाँ पे जो है एक कॉमा लगाना होगा। तो वो ये नहीं कि एक एक करके हम हटाएंगे, क्योंकि ऐसे में फिर तो क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा, और ये मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार अगर हमारा वीडियो देख ले तो आप पूरी तरह से समझ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वरना हम अगर जब एसएमएस करते हैं तो मात्र 2 मिनट में हम ये चुटकी बजा के हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आदत भी हो गया है तो हम इस ट्रिक को 2 मिनट में यूज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे आप जो है प्रेस कीजिए कंट्रोल एच, याद रहा ना, कंट्रोल एच, दोबारा मैंने बोल दिया, फिर से एक बार कंट्रोल एच। ठीक है, कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद जो है आप यहां से स्पेस जितना है आपका इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसे कर लीजिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहां पे स्पेस को कर दीजिए पेस्ट, और यहां पे आप लगा दीजिए ये वाला कोमा, एल के बाद जो बटन है सेमी कॉलन है उसे पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद रिप्लेस ऑल कर, ये देखिए जैसे रिप्लेस ऑल किया और ये सारा जो है क्या हुआ, स्पेस खत्म हो गया और ये कॉमा लग गया। अब इसे हम कर देंगे कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। अब यही वाला हमें यूज करना है अपने फोन में। ठीक है, तो फोन में तो ये नंबर सारा काम तो आप सिस्टम पे कर रहे हो तो फोन में तो ये ऐसे नहीं चला जाएगा, तो फोन पे ये नंबर ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, और एक बार अगर आपने सारा बैच का इस तरह से नंबर अगर आपने ड्रॉप में सेव करके रख दिया ना, तो बार बार उस बैच का नंबर ढूंढने के लिए ये प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने बैच स्टार्ट के टाइम अगर ये प्रोसेस कर दिया है तो बैच के एंड टाइम आपको या एग्जाम टाइम आपको या कभी उस बैच के स्टूडेंट को एसएमएस करना हो तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कंपोज मेल करेंगे। ठीक है, कंपोज मेल करने के बाद जो है तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो मैंने नंबर कॉपी किया है उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे बस सिंपल सा मैंने नंबर पेस्ट कर दिया और सब्जेक्ट में सिर्फ यहाँ पे दे दूंगा जे एन जनवरी
बैच मोबाइल नंबर शॉर्टकट, और इसे हम क्लोज कर देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, इसे हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। और ये जब नंबर में ढूंढना होगा तो ये ड्राफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये हमको मिल ही जाएगा। चलिए अब आते हैं हम अपने मोबाइल में, एसएमएस बॉक्स को ओपन कर लेंगे मैसेज, और यहाँ पे प्लस का निशान आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे मैसेज को टाइप, यहाँ पे मैसेज को आप टाइप कर लीजिए। और टाइप क्या करना है, जैसे कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको टाइप कर लेता हूँ यहाँ वॉइस टाइपिंग के थ्रू। आप सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि आप लोगों का लर्निंग समाप्त हो चुका है और 2 मई को KYP फाइनल एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। आप लोग 8:30 में सेंटर आ जाए। राजीव सर। इस तरह से हमने वॉइस का नोट का यूज करके हमने बिल्कुल जो है हिंदी में मैसेज टाइप कर लिया। अब रहा कि यहाँ पे नंबर पेस्ट करना है, तो चलिए अब हम आपको मेल में लेके चलते हैं, ईमेल में। और ये देखिए मेल बॉक्स में पहले हम आ गए, और यहाँ पे देखिए हमारा एक मिनट सेंटर का मेल आईडी, हम यहाँ पे ये हमारा सेंटर का मेल आईडी है, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे 3 लाइन पे, और यहाँ पे आ जाएगा ड्राफ्ट। यहाँ पे देख पा रहे हैं ड्राफ्ट आ गया, और ड्राफ्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ये नंबर आ गया, और यहाँ से सभी नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितना नंबर है ये सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स जो हमने यहाँ पे टाइप करके रखा है ये ऑलरेडी टाइप था, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया था, और या तो आप नंबर यहाँ पे जो है रिसिप्ट में डाल के इसे पेस्ट कर देंगे सारे नंबर। उसके बाद हम सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और जितना भी स्टूडेंट था ये सूचना सभी स्टूडेंट को क्या हुआ चला गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने सेंटर के सभी स्टूडेंट को जो है बहुत ही कम समय में SMS कर सकते हैं। और जब आपकी आपको लगेगा कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बट जब आप इसे रेगुलर करने लगेंगे तो ये आपको मुश्किल से 2 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी लेंथी प्रोसेस लगता था और 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगता था, बट अब ये इतना टाइम नहीं लगता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आप हमारी एक मदद कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बाकी सेंटर वालों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।